तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रकाश प्रवर्तन, और आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश प्रवर्तन के नियम। प्रकाश प्रवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश का किरण किसी सतह से टकरा करके वापस लौटता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश प्रवर्तन कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नियम। तो जैसे कि ये जो है ये लाइट रे आ रहा है और यहाँ पर टकराया और फिर ये वापस जा रहा है, तो ये जो लाइट रे आ रहा है ना इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसे हिंदी में कहेंगे आपतित किरण। और ये जो सतह है इसे कोई भी सतह है जैसे कि प्रवर्तित सतह, और जैसे कि प्रवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं इसको हम लोग। और ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग कहते हैं आपतित बिंदु। और ये जो लाइट है वापस लौट रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्रवर्तित किरण। और ये जो सेंटर में ये दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। लाइट रे यहाँ पर से आ रहा है, यहाँ पे टकराया फिर वापस लौट रहा है, तो जो लाइट रे आ रहा है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो रे वापस लौट रहा है और नॉर्मल के बीच के जो एंगल बनता है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो हुआ इंसिडेंट रे हुआ और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो वापस लौट रहा है जैसे कि रिफ्लेक्टिव रे प्रवर्तित किरण, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके नियम। तो इसके जो नियम होते हैं, तो इसका पहला नियम आपका बोलता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे बनता है। इसका दूसरा रूल यही बोलता है कि जो ये एंगल आई है और एंगल आर है ये हमेशा बराबर होगा। ऐसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रकाश प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश प्रवर्तन के नियम क्या है, फिर आगे भी हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे दर्पण, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण होता है कि जैसे कि हम लोग घर में जो मिरर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो लाइट रहता है वापस लौटता है, उसमें हम लोग को प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो वो क्या होता है, एक चिकना सतह होता है। तो दर्पण क्या है, तो दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह है जिससे प्रकाश किरण प्रवर्तित होकर वापस लौटती है। तो दर्पण जो होता है, दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह है जिससे प्रकाश के किरणों का प्रवर्तन होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे ना प्रकाश सॉरी दर्पण के कितने टाइप है। तो दर्पण के प्रकार, मुख्यतः जो दर्पण होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण वह होता है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जो गोलीय दर्पण होता है तो हम लोग कभी पढ़े हैं ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो उसे तो दो तरह के होते हैं, गोलीय दर्पण में आते हैं उत्तल तथा अवतल, और समतल में हम लोग जो घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण जो होगा ऐसा रहेगा, ये जो ऊपर का भाग है चिकना वाला ये आपका सरफेस है और ये दर्पण के पीछे का भाग है। गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आगे हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण प्लेन मिरर, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग घर में जो दर्पण होता है या मिरर होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। एंड इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, तो उस विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि नॉर्मल जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं दर्पण, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग सामने खड़े रहते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है, हम लोग दर्पण से जितना दूर होते हैं दर्पण का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब दोनों की दूरी समान होती है। और हम लोग देखते हैं कि जो दर्पण होता है मीन्स मिरर जो होता है उसके पीछे जो बिंब बनता है वो हम लोग सीधा खड़े रहते हैं तो वो भी सीधा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो सीधा है और हम लोग तो हकीकत में इधर सामने ना है पर पीछे तो जो बन रहा हो तो काल्पनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण में जो बनी प्रतिबिंब होती है वो सीधा एवं काल्पनिक होता है। और तीसरी जो विशेषता होती है वो होती है कि दर्पण से जो दर्पण का जो बनता है ना वो पार्श्व परावर्तित होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सामने आईने के रहते हैं, जो हम लोग राइट साइड में रहते हैं वो आईने में लेफ्ट साइड दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि दर्पण में जो बनी मिरर परछाई होती है वो पार्श्व परावर्तित होती है। तो इसकी विशेषताएं लिखेंगे अभी हम लोग। तो ये है प्रतिबिंब में बने समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। तो जैसा हमने देखा प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होती है। जैसे कि दर्पण में जो परछाई बनेगा वो उतना ही दूर दिखेगा दर्पण से जितना की दूर हम लोग दिखेंगे हकीकत में। और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, इसका मतलब तो आप समझ गए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं, जब हम लोग खाना खाते हुए आईने के सामने खाएं तो इससे पता चलेगा जब हम लोग राइट हैंड से खाना खा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से दिखेगा आईने के अंदर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गाइस आप लोग इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना राउंड होता है या गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो अब देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण जो वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो उत्तल दर्पण है इसका प्रवर्तक पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ है और ये दर्पण के पीछे का भाग है और ये इधर से इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो इस प्रकार देखा हमने कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक पृष्ठ जो होता है वो धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसका डिजाइन हो जाएगा आपका, ये दर्पण के पीछे का भाग है, इधर से लाइट रे इंसिडेंट होगा और फिर ऐसे आएगा, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि दर्पण और दर्पण के प्रकार। और आज हम लोगों ने देखा कि प्रवर्तन के जो नियम होते हैं क्या क्या उसके रोल है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि दर्पण में कौन कौन से चीज़ें मीन्स गोलीय दर्पण में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है।